दरभंगा राज के बड़े युवराज की पत्नी राजकिशोरी पंचतत्व में विलीन। राज परिवार के शमशान माधेश्वर परिसर में हुआ अंतिम संस्कार। जी हां, आपको बता दें कि राज परिवार की बड़ी पुत्रवधू और बड़े राजकुमार स्वर्गीय जीवेश सिंह की पत्नी राजकिशोरी मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। उनका अंतिम संस्कार राज परिवार के शमशान माधवेश्वर परिसर में उनके पति की समाधि के बगल में विधि विधान पूर्वक किया गया। उन्हें मुखाग्नि आखिरी समय तक उनके सेवक रहे महेश नारायण झा ने दी। राजकिशोरी जी का कोई पुत्र नहीं था, उनकी दो पुत्रियां हैं। उनका निधन सोमवार को 85 साल की आयु में उनके निवास स्थान लहरिया सराय में हो गया था। मुखाग्नि देने वाले महेश नारायण झा ने बताया कि वे बचपन से ही उनके साथ रह रहे थे, उनकी सेवा की थी। राजकिशोरी जी की चले जाने से उनकी जिंदगी में खालीपन आ गया है, वे उनकी मालकिन थी। उन्होंने कहा कि उनका जीवन सादा था। महेश नारायण ने कहा कि वर्तमान में मौजूद आखिरी महारानी की इच्छा थी कि राजकिशोरी जी का अंतिम संस्कार राज परिवार के शमशान परिसर में उनके पति की समाधि के बगल में हो, इसलिए इसी जगह पर उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। राज मामलों के जानकार और ललित नारायण मिथिला वीवी के सीनेटर संतोष कुमार ने कहा कि राजकिशोरी जी मृदुभाषी स्वभाव की थी। राज परिवार का होने के नाते वे आम लोगों से बहुत ही आत्मीयता से मिलती थी और लोगों की मदद करती थी। संतोष ने बताया कि 1936 में उनका जन्म हुआ था। उनके पति राजकुमार जीवेश्वर सिंह का निधन 1987 में हुआ था। उन्होंने बताया कि चूंकि माधवेश्वर परिसर अब बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत माँ श्यामा न्यास समिति के अधिकार क्षेत्र है, इसलिए जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है कि वहां से अनुमति मिलने के बाद परिसर में अंतिम संस्कार हुआ है। बहुत मृदुभाषी, बहुत सौम्य, सीधे संवाद करने वाली, लोगों का जो एक होता है रॉयल फैमिली का, लोगों को दूसरे को सुनने वाला स्वभाव उनका, क्योंकि मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ। पिताजी के साथ लगभग 20 वर्षों से मैं इनके वो टच में रहा। और ये जिस परिसर में हुआ है, ये माधव सिंह का परिसर है, इनके पूर्वजों का माधेश्वर परिसर बोलते हैं। उनका ये शमशान भूमि रहा है। लगभग 85 वर्ष का उम्र था, लगभग 1934 के आसपास इनका जन्म हुआ था। तो थोड़ा सा असमंजस की बनी हुई थी, आखिर वो संस्कार कहाँ होगा, क्योंकि ये परिसर न्यास, एक न्यास बन गया है श्यामा परिसर, उसके अंदर कि कहीं से कोई विघ्न नहीं हो पैदा। लेकिन राज परिवार और जो भी यहाँ के नागरिक, जो लोकल नागरिक जिनको दरभंगा से प्यार है, यहाँ की इतिहास से प्यार है, धरोहरों से प्यार है, उन लोगों ने पुरजोर जोर लगाया, प्रशासन से, जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट किया और लोगों से संपर्क किया कि इनका जो है संस्कार इसी परिसर में होना चाहिए। कि आप जो पूरा परिसर देखते हैं, उस परिसर में जो भी राजे, रजवाड़े, राजकुमार हुए हैं, उनकी पत्नी का संस्कार अपने पति के बगल में ही हुआ है। तो यही सत्य यहाँ था कि उनके पति का जो 1987 में जनवरी में देहांत हुआ था, उनके बगल में ही उनका संस्कार किया गया। तो हमारे मालिक जीवन हमको छोड़ के चले गए, अब हम उसे गलती क्या कर सकते। और दो लड़की थी, उन दोनों का शादी ब्याह हो गया, हम बच्चा से उनके पास रहते थे, उनको लड़का नहीं था। हम सब कुछ करते आए हैं और आज तक उनका सेवा की। मुखाग्नि भी आप ही ने दी है। हम कहना कुछ कमी महसूस हो रहा है, जो हम क्या बोल सकते हैं, जो कहेंगे वो हमारे लिए बहुत कमी ही महसूस। इनका बगल में ही है, वो जो पेड़, बाढ़ का पेड़ देखते हैं, उनके पति के 88 में वो देहांत हो गए, तो उनको यहीं लाया गया। तो घर के अभी प्रमुख हैं महारानी कामसुंदरी, जिनके अंदर में ये रिलीजियस टच के अंदर में आता है। तो उनका इच्छा हुआ जो नहीं, इनके बगल में ही उनका दाह संस्कार हो।